प्रिय विद्यार्थी, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 में डिज़ाइन ऑफ स्क्रू एंड बोल्ट्स के टॉपिक डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक का अध्ययन करेंगे। नाउ डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक। स्क्रू जैक इज यूज टू रेज और लोअर द लोड। स्क्रू जैक जो है लोड को उठाने या नीचे करने के लिए काम में लिया जाता है। नट इज फिक्स्ड टू द फ्रेम एंड रिमेंट स्टेशनरी। इसमें जो ये नट है वो फ्रेम में फिक्स होता है और स्टेशनरी रहता है, जबकि इसमें स्पिंडल मूव करता है, स्पिंडल जो है वो रोटेट करता है। ए कप इज प्रोवाइडेड एट द टॉप टू सपोर्ट द लोड। इसके ऊपर एक कप बताया हुआ है जिस पर कि हम लोड को रखते हैं या वो ये लोड को सपोर्ट करता है। कप रिमेंस स्टेशनरी, ये कप भी स्टेशनरी होता है। स्क्रू जैक इज शोन इन फिगर 1। ये फिगर 1 में स्क्रू जैक दिखाया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्क्रू जैक आर फॉलोइंग। अब इस स्क्रू जैक के कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला है स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू स्पिंडल। ये जो स्क्रू स्पिंडल है ये स्क्वायर थ्रेडेड है, जिस तरह से ये स्क्वायर थ्रेड दिखाए हुए हैं, ये इसका इनलार्ज व्यू है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर थ्रेड्स हैं। तो ये नट में स्क्रू स्पिंडल जो है वो स्क्वायर थ्रेड वाला है। फिर सेकंड है नट विथ कॉलर। ये जो नट है और इसमें ये कॉलर लगी हुई है, ये नट, दिस इज द नट। नाउ हेड फॉर स्पिंडल। स्पिंडल जो ये है इसमें ये हेड लगा हुआ है और हेड के साथ में ये हैंडल है, तो ये हेड फॉर हैंडल, ये हैंडल के लिए हेड है। नाउ कप एट द टॉप फॉर लोड। यहाँ कप लगा हुआ है जो कि लोड को बियर करने के लिए, लोड को सपोर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। बॉडी फॉर द स्क्रू जैक। ये जो स्क्रू जैक है इसकी बॉडी ये दर्शाई हुई है। नाउ फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द कोर डाया। सबसे पहले हम इसका स्क्रू जैक का कोर डाया डीसी निकालेंगे। ये जो स्क्रू जैक है ये इसका स्पिंडल है या इसका स्क्रू है, और इस स्क्रू में इसका कोर डाया ये वाला डीसी ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये मिनिमम एरिया है और यहीं पर इसकी स्ट्रेंथ लाई करती है। नाउ कंसीडरिंग द स्क्रू इज अंडर प्योर कंप्रेशन। हम ये मानते हैं कि जो स्क्रू है उसमें प्योरली कंप्रेसिव लोड लग रहा है, यहाँ जो डब्ल्यू लोड लग रहा है ये इसको कंप्रेस कर रहा है। तो ये W लोड कितना है, दिस इज सिग्मा सी इंटू ए सी। सिग्मा सी इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ द स्क्रू मटेरियल और ए सी इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द कोर डाया। ये जो कोर डाया है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया वो है ए सी। दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा सी इंटू पाई डी सी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पर ये W था स्ट्रेस इंटू एरिया, तो एरिया कितना है, एरिया है हमारे पास पाई डी सी स्क्वायर बाई 4। ये जो है एक सर्कमफेरेंशियल, ये जो डिस्क का एरिया है यहाँ पर यदि हम सेक्शन करें तो ये जो डिस्क का एरिया होगा वो पाई डी सी स्क्वायर बाई 4 होगा, जो कि मिनिमम एरिया है। यहाँ पर कंप्रेसिव लोड कितना लग रहा है वो है W, तो ये W होगा बराबर सिग्मा सी इंटू पाई डी सी स्क्वायर बाई 4 को। तो यहाँ पर यदि हमें सिग्मा सी मालूम है, डब्ल्यू लोड मालूम है, तो हम ये पाई, तो ये डी सी जो है कोर डायामीटर ऑफ दिस स्क्रू या स्पिंडल का जो कोर डाया है वो हम निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कोर डाया डी सी एंड आउटर डाया डी जीरो एंड मीन डाया डी शुड बी टेकन बाई टेबल। अब ये डी सी निकालने के बाद में इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हम टेबल से देख लेते हैं।
और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटर डाया है वो देख लेते हैं और मीन डाया ये हम टेबल से निकाल लेते हैं। नाउ कैलकुलेट द इफोर्ट एट द हैंडल एंड द टॉर्क टी वन। यहाँ पर जो हैंडल है इसको जब हम घुमाते हैं तो इसमें टॉर्क कितना लग रहा है, तो यहाँ पर इफोर्ट कितना लग रहा है और टॉर्क कितना है। एंड टॉर्क टी वन रिक्वायर टू रोटेट द स्क्रू फॉर लिफ्ट लोड W, W लोड लिफ्ट करने के लिए इसको कितने टॉर्क लगा करके, कितना टी वन टॉर्क लगा करके हम इसको घुमा रहे हैं। इसको घुमाने के लिए जो स्क्रू को जब हम घुमाते हैं तो टी वन टॉर्क लग रहा है। एंड शेयर स्ट्रेस टाउ ड्यू टू दिस टॉर्क, और इस टॉर्क के कारण इसमें जो स्पिंडल है उस स्पिंडल में स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो कितना है, शेयर स्ट्रेस वो है टाउ। नाउ वी नो दैट इक्वेशन P इज इक्वल टू W टेन एल्फा प्लस फाइव, ये हमें मालूम है कि P इज इक्वल टू जो लोड है इफोर्ट है P, वो P किसके बराबर है, W लोड टेन एल्फा प्लस फाइव, यहाँ एल्फा है हेलिक्स एंगल और फाइव इज द फ्रिक्शन एंगल, तो ये W टेन एल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू P। नाउ टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, अब टॉर्क कितना चाहिए इस लोड को लिफ्ट करने के लिए, W लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना टॉर्क की आवश्यकता होगी, तो दिस टॉर्क T1 इज इक्वल टू इफोर्ट P, यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है इसके सर्कमफेरेंस पे, जो ये स्पिंडल स्क्रू है इस स्पिंडल स्क्रू के सर्कमफेरेंस पे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, इफोर्ट कितना लगाना पड़ रहा है, वो पी P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये P यहाँ पर फोर्स लग रहा है जो, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है D जीरो, ये D जीरो है यहाँ से यहाँ तक की आउटसाइड डायमीटर ऑफ द स्पिंडल या स्क्वायर स्क्रू स्क्वायर थ्रेड स्क्रू, तो इसका ये आउटसाइड डायमीटर जो है D जीरो इसका आधा ले लेंगे, तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज D बाई टू, तो इफोर्ट P इंटू D बाई टू इज द टॉर्क T1, जो कि यहां पर स्पिंडल स्क्रू में लगेगा। नाउ P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो P है हमारे पास W टेन एल्फा प्लस फाइव, तो यहां पर P की वैल्यू रखी इंटू डी बाई टू, तो ये T1 हुआ W टेन एल्फा प्लस फाइव इंटू डी बाई टू। नाउ P इज द इफोर्ट रिक्वायर्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्क्रू, स्क्रू के जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर जो इफोर्ट लगाते हैं वो P है, और D इज द मीन डायमीटर ऑफ द स्क्रू, मीन डायमीटर मतलब D0 और DC, ये D0 और ये DC, इन दोनों के बीच में जो डायमीटर है इमेजिनरी डाया भी जिसको बोल सकते हैं वो है D, तो ये मीन डाया है D0 प्लस DC अपॉन टू, दिस इज द मीन डाया। नाउ शेयर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्क T1, T1 के कारण इसमें अब शेयर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, तो ये शेयर स्ट्रेस है T1, टॉर्क के टॉर्शन की हमारी इक्वेशन है T इज इक्वल टू पाई बाई सिक्सटीन इंटू सी एस टेस इंटू डी सी की पावर थ्री, तो इससे हमें ये सी एस टेस आता है 16 इंटू टी वन अपॉन पाई डी सी की पावर थ्री। नाउ ऑल्सो फाइंड डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, अब डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है ड्यू टू एक्सियल लोड W, और एक्सियल लोड के कारण इसमें डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आता है, दिस इज लोड पर यूनिट एरिया, लोड अपॉन एरिया, एरिया कितना है पाई डी सी स्क्वायर बाई फोर, पाई डी सी स्क्वायर जो कोड आया है उस कोड आया का इस जो कोड आया पर जो डिस्क एरिया है वो है पाई डी सी स्क्वायर बाई फोर, तो ये जो डिस्क एरिया है उससे डिवाइड करेंगे लोड को तो ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस या ये आ जाएगा सिग्मा सी, यहाँ पर ये डीसी है कोड आया, तो यहाँ जो एरिया है वो है पाई डीसी स्क्वायर बाई फोर। ये पाई डीसी स्क्वायर बाई फोर
तो इसलिए सिग्मा सी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाई बाई फोर इंटू डी सी स्क्वायर। नाउ फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालें, इट विल बी एज फॉलो। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस टेंसाइल और कंप्रेसिव। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, दैट इज सिग्मा सी इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा सी प्लस इन रूट सिग्मा सी का स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ टाउ का स्क्वायर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस प्लस इन रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ सी स्ट्रेस का स्क्वायर। और इन दोनों का इसको अंदर ब्रैकेट में रख करके हाफ कर देंगे। तो दिस इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसी प्रकार मैक्सिमम सी स्ट्रेस, इसका ये फॉर्मूला है टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इन रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ सी स्ट्रेस का स्क्वायर। दिस स्ट्रेस शुड बी लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस। अब ये जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसे ये कम होनी चाहिए। नाउ चौथा, फाइंड द हाइट ऑफ नट। अब नट की हाइट निकालनी है। ये जो नट है, इस नट की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की वो कितनी है, दिस इज एच। तो ये एच निकालनी है कॉन्सिडरिंग द बियरिंग प्रेशर ऑन द नट। अब ये जो नट है इस पर हम बियरिंग प्रेशर कंसिडर करते हैं। यहाँ जो थ्रेड है इसके स्क्वायर थ्रेडेड ये जैसे, तो ये जो स्क्वायर थ्रेड्स हैं इसमें नट में भी स्क्वायर थ्रेड बने हुए हैं। तो इन नट में के में जो फेस है इसका, इस पर बियरिंग प्रेशर कम जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, बियरिंग प्रेशर ऑन द नट। नाउ दिस इज पी बी लोड बियरिंग, बी फॉर बियरिंग। कितना लोड सेंड कर सकता है ये, पी बी इज इक्वल टू लोड अपन प्रोजेक्टेड एरिया। तो लोड कितना है डब्लू, और प्रोजेक्टेड एरिया कितना हुआ, प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला है, दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया। ये है पाई डी सी स्क्वायर, पाई डी जीरो स्क्वायर बाई फोर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्क का एरिया है वो है पाई डी जीरो स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डी जीरो या आउटसाइड डायमीटर है। तो पाई इंटू आउटसाइड डायमीटर का स्क्वायर अपॉन फोर माइनस पाई डी सी स्क्वायर कोर डायमीटर, ये यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कोर डायमीटर। तो यहाँ वाला जो डिस्क का एरिया है वो पाई डी सी स्क्वायर बाई फोर होगा। तो पाई डी जीरो बाई फोर में पाई डी जीरो स्क्वायर बाई फोर ये वाला जो एरिया है पूरा, इस एरिया में से ये इतना एरिया घटा दें ये वाला एरिया, तो ये बाहर वाला एरिया आ जाएगा ये और ये। तो इस एरिए को जिस पे कि बियरिंग प्रेशर लगेगा। अब ये यदि मान लो एन थ्रेड्स हैं इसमें वन टू थ्री फोर ऐसे, तो वो एन थ्रेड से मल्टीप्लाई होगा कि वो एन टाइम्स हो जाएगा बियरिंग एरिया। तो यहाँ पर ये एरिया एन टाइम्स हो गया, और इस बियरिंग एरिया को जब हम यहाँ पर जो बियरिंग प्रेशर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लोड आ जाता है। नाउ एन इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन कॉन्टैक्ट विद स्क्रूड स्पिंडल। अब एन क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड्स, कितने थ्रेड्स हैं जो कि इसमें इन कॉन्टैक्ट विथ स्क्रू स्पिंडल, स्क्रू स्पिंडल से कितने कॉन्टैक्ट में है। देन हाइट ऑफ नट, ये नट की हाइट एच, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हाइट की नट, जो नट है उसके नीचे से लेके ये ऊपर तक जो हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द नट। नाउ दिस एच इज इक्वल टू एन इंटू पी, पी तो पिच है, और पिच इंटू नंबर ऑफ थ्रेड कितने हैं, तो नंबर ऑफ थ्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे पिच को तो टोटल हाइट आ जाएगी, पी इज द पिच ऑफ द थ्रेड। नाउ चेक द सी स्ट्रेस इन द स्क्रू एंड नट एज फॉलो। अब स्क्रू और नट में सी स्ट्रेस कितना हो रहा है, यहां पर ये जो थ्रेड्स हैं इन थ्रेड्स में शियर स्ट्रेस कितना है, स्क्रू में कितना है और नट में कितना है। स्क्रू में शियर फोर्स यहाँ लगेगा इस जगह पर, और नट में इस जगह पर लगेगा। तो यहाँ पर
स्क्रू में देखें सबसे पहले हम शियर स्ट्रेस कितना होगा यहाँ पर स्क्रू में, स्क्रू में शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो ये डिपेंड करेगा लोड कितना है इस पर, डब्ल्यू लोड अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये सिलेंड्रिकल एरिया, तो ये कितना है सिलेंड्रिकल एरिया, पाई इंटू डी सी, ये टोटल सर्कम्फ्रेंस यहाँ पर कोड आया फॉर सर्कम्फ्रेंस है पाई डी सी है ना, और इसकी थिकनेस है टी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो पाई डी सी इंटू टी, तो ये सिलेंड्रिकल एरिया हो गया किसके लिए, स्क्रू के लिए, पाई डी सी इंटू टी, तो एक रिंग का एरिया हो गया, और यदि मान लो इसमें n थ्रेड्स हैं तो n टाइम्स वो रिंग्स हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल सिलिंड्रिकल एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया तो पाई डी सी इंटू टी इंटू n, तो ये टोटल सिलिंड्रिकल एरिया आ गया। अब इस टोटल सिलिंड्रिकल एरिया को जब हम स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे उस मेटेरियल की स्ट्रेस से, तो वो लोड के बराबर होगा। इसी प्रकार नट में होगा, नट में भी ये जो नट है इस नट में यहाँ से शेयर होगा, ये इस जगह से, तो यहाँ से शेयर होगा, तो ये इसका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, पाई डी जीरो, ये जो आउटसाइड आया है तो ये यहाँ से शेयर फेलियर होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे पाई डी जीरो लेंगे कि सर्कम्फ्रेंस है इसकी पाई डी जीरो, और पाई डी जीरो में यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी विड्थ है वो टी लेनी है, तो ये टी ले लिया, तो पाई डी जीरो इंटू टी इंटू नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं इसमें, तो उसको हम नंबर ऑफ थ्रेड्स को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टाउ नट की वैल्यू होगी डब्ल्यू अपॉन पाई एन डी जीरो इंटू टी, वेट टी इज द थिकनेस ऑफ द स्क्रू पी अपॉन टू, ये पिच यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का ये पिच है, और इस पिच में जो आधी डिस्टेंस है वो p बाई टू है, तो यहाँ पर थिकनेस जो ही जो स्क्रू की थिकनेस है स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू की थिकनेस जो होगी वो t होगी, और उसकी वैल्यू होगी p बाई टू। नाउ फाइंड इनर डायमीटर d1, इनर डायमीटर ये जो नट है इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक d1, आउटर डाया d2 ये वाला इस नट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर d2, एंड थिकनेस t1 ऑफ नट कॉलर एंड थिकनेस t1, ये वाला थिकनेस t1, ये जो नट कॉलर है इसमें t1 थिकनेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये है t1 ऑफ द नट कॉलर, द इनर डाया d1 इज फाउंड बाय कंसीडरिंग द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द नट। अब ये जो नट है इसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए द इनर डाया d1 इज फाउंड बाय कंसीडरिंग द टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द नट, और वो कितना है, लोड इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो लोड है वो है पाई बाई फोर डी वन स्क्वायर, पाई डी वन स्क्वायर बाई फोर, यहाँ टोटल डिस्क का एरिया डी वन एरिया डी वन डायमीटर पे वो हो गया पाई डी वन स्क्वायर बाई फोर, तो ये यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, माइनस पाई डी जीरो स्क्वायर बाई फोर, अब डी जीरो कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो पाई डी वन स्क्वायर बाई फोर माइनस पाई डी जीरो स्क्वायर बाई फोर, तो ये एरिया आया ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का, ये इस पर टेंसाइल लोड लग रहा है तो इसलिए इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ये सिग्मा टी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बराबर होना चाहिए लगने वाले लोड डब्ल्यू के बराबर, यदि ये कम हुआ तो ब्रेकेज हो जाएगा फेलियर हो जाएगा, तो हमेशा या तो ये बराबर होना चाहिए या ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ द आउटर डाया d2 इज फाउंड बाय कंसीडरिंग द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द नट कॉलर, अब ये आउटर डाया d2
फाइंड आउट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आउटर डाया जो है वो कितना होगा। दिस इज फाउंड बाय कंसीडरिंग द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द नट कॉलर। जो नट कॉलर है उस पर क्रशिंग फोर्स कितना लग रहा है, तो दैट इज पाई डी टू स्क्वायर बाई फोर माइनस पाई डी वन स्क्वायर बाई फोर। ये पाई डी टू स्क्वायर बाई फोर माइनस पाई डी वन स्क्वायर बाई फोर, ये वाला जो है पाई डी वन स्क्वायर बाई फोर इंटू सिग्मा सी कंप्रेसिव स्ट्रेस में अप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो गई, तो इससे हम डी टू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि डी वन हमने पहले निकाल लिया, तो डी वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डब्ल्यू हमें मालूम है, तो इस तरह से हमें डी टू मिल जाएगा। नाउ द थिकनेस टी वन ऑफ द नट, द थिकनेस टी वन ऑफ द नट कॉलर इज फॉर्म्ड बाय कंसीडरिंग द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द नट कॉलर। ये जो नट कॉलर है इस नट कॉलर में यहां पर शेयरिंग फोर्स कितना लग रहा है, इस जगह पर शेयरिंग फोर्स कितना लग रहा है यहां से, तो ये शेयरिंग फोर्स कितना होगा, दिस W इज इक्वल टू पाई डी वन, मतलब सर्कमफेरेंस ये डी वन है, यहां से यहां तक डी वन है, तो टोटल इसकी सर्कमफेरेंस पाई डी वन इंटू टी वन। पाई डी वन तो ये सर्कमफेरेंस है यहां पे, और चूंकि टी वन इसकी हाइट है तो यहां पर सिलिंड्रिकल एरिया कितना हुआ, पाई डी वन इंटू टी वन। ये पाई डी वन टी वन तो इसका सिलिंड्रिकल एरिया होगा यहां पर जिस पर कि शेयर फोर्स लग रहा है, और ये हुआ एरिया पाई डी वन इंटू टी वन, और इसको जब हम स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी। ये शेयर स्ट्रेंथ लोड लगने वाले लोड की डब्ल्यू के बराबर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है फिक्स द डायमेंशंस फॉर द डायमीटर ऑफ हेड डी थ्री। ये हेड है, इसका डायमीटर है डी थ्री, तो इसके लिए डायमेंशंस डी थ्री फाइंड आउट करनी है ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रू एंड फॉर द कप। नाउ टेक डी थ्री इज इक्वल टू, ये जो डी थ्री है इसको जनरली हम मानते हैं कि ये जो स्पिंडल का आउटसाइड डायमीटर डी जीरो है उसका 1.75 टाइम्स होती है, 1.75 इंटू डी जीरो या डी ओ आउटसाइड डायमीटर। नाउ द सीट फॉर द कप, ये जो सीट है कप के लिए इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ हेड डी थ्री। ये जो सीट है वो किसके बराबर होगी, इसके डायमीटर जो है हेड का डी थ्री उसके बराबर होगी यहाँ पे। नाउ द कप इज फिटेड विथ ए पिन ऑफ डायमीटर डी फोर। नाउ कप इज फिटेड, अब ये कप को हम ऊपर से फिट कर देंगे एक पिन में, पिन लगी हुई है यहाँ पे, इस पिन में इसको फिट कर दिया जाएगा विथ ए पिन ऑफ डायमीटर डी फोर। नाउ द कप इज फिटेड विथ ए पिन ऑफ डायमीटर डी फोर, ये डी फोर डायमीटर की जो पिन है इससे इस पर कप फिटेड है और इसकी वैल्यू है डी थ्री अपॉन फोर। ये जो डी थ्री है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 1/4 इज डी फोर। नाउ पिन रिमेन्स ए लूज फिट इन द पाइप, जो पिन है सॉरी पिन रिमेन्स ए लूज फिट इन द कप, ये जो पिन है यहां पर ये लूज फिट होती है। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टी टू टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द टॉप ऑफ द स्क्रू। अब यहां स्क्रू के टॉप पर फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कार्य करने के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड टी टू, तो टी टू टॉर्क की आवश्यकता होती है। अब ये कितना है, द टॉप ऑफ द स्क्रू, टॉप ऑफ द स्क्रू टी टू, यहां पर टॉर्क टी टू होगा 2/3 म्यू वन इंटू डब्ल्यू,
mu1 is the coefficient of mu is the coefficient of friction and w is the load. ये load है. तो 2 upon 3 mu1 into w into r3 की पावर 3. r3 जो d3 है हेड, इसका रेडियस यहां से लेके यहां तक, दिस इज r3. और r4 जो है वो पिन का जो रेडियस है, ये जो पिन है इसका डायमीटर d4 है और इसका अदर हो जाएगा d4/2, दैट इज रेडियस ऑफ द पिन. नाउ t2 इज इक्वल टू μ1 into w into r3 plus r4 upon 2, assuming uniform wear conditions. Now where r3 is the radius of head and r4 is the radius of pin. Now next is the total torque to which the handle will be subjected is given by t is equal to t1 plus t2. t1 हमने पहले देखा था शुरू में, torque. यहाँ पर स्पिंडल में टॉर्क कितना जनरेट चाहिए, दिस इज पी इफोर्ट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2. तो ये तो है t1, और ये t2 अभी हमने निकाला कि यहाँ पर t2 जो है वो 2/3 μ1 इंटू w r3 की पावर क्यूब माइनस r4 की पावर क्यूब अपॉन r3 का स्क्वायर माइनस r4 का स्क्वायर. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल टॉर्क आ जाएगा हमारा. Now, next है the diameter of handle. अब ये जो handle है इसका diameter कितना लेना है, may be obtained by considering bending effects. अब ये bending effects consider करते हुए इसको लेना है. Bending moment कितना होगा, that is m is equal to pi by 32 into bearing stress into d की power 3. ये जो हैंडल का डायमीटर है, दिस इज डी, और सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा टी और सिग्मा सी. नाउ नेक्स्ट है द हाइट ऑफ हेड. हेड की हाइट कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये जो हेड है इसकी जो हाइट है कैपिटल एच, ये डिसाइड करना है. तो दिस इज जनरली ट्वाइस ऑफ डायमीटर 2D. हेड की जो हाइट है वो हैंडल के डायमीटर का दुगना होगा. वेट इज द डायमीटर ऑफ द हैंडल, बकलिंग और क्रिटिकल लोड. बकलिंग और क्रिटिकल लोड कैसे निकालेंगे, WCR इज इक्वल टू AC इंटू सिग्मा वाई इंटू 1 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 4C पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू एल अपॉन के. यहाँ पर ये जो कोड आया का जो एरिया है उसमें ये फैक्टर को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये W क्रिटिकल के लिए हो जाएगा. तो W क्रिटिकल इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एट द रूट इंटू DY इंटू ये फैक्टर. अब यहाँ पे जो सॉरी ये सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो यील्ड स्ट्रेस है. तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया एट द रूट इंटू यील्ड स्ट्रेस इंटू फैक्टर मल्टीप्लाई बाई AC दैट विल बी इक्वल टू W क्रिटिकल. नाउ चेक द स्क्रू फॉर बकलिंग लोड. बकलिंग लोड के लिए स्क्रू को चेक करना. नाउ इफेक्टिव लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द स्क्रू. इफेक्टिव लेंथ या अनसपोर्टेड लेंथ कितनी है, तो इसको पहले हम निकालते हैं. L इज द डिस्टेंस ऑफ राइस प्लस हाइट ऑफ द नट डिवाइड बाई 2. L जो है वो कितना राइस करता है, यहाँ ये राइस कितना कर रहा है लिफ्टिंग हाइट, और ये H का आधा.
नाउ बकलिंग और क्रिटिकल लोड। नाउ ये तो हुआ हमारे पास बकलिंग या क्रिटिकल लोड। डब्ल्यू सी आर इज इक्वल टू ए सी इंटू सिग्मा वाई वन माइनस सिग्मा वाई अपॉन फोर सी पाई स्क्वायर ई इंटू एल अपॉन के का स्क्वायर, वेयर वाई इज द यील्ड स्ट्रेस, सी इज द एंड फिक्सिसिटी कोफिशिएंट, द स्क्रू इज कंसिडर्ड टू बी ए स्ट्रट विथ लोअर एंड फिक्स्ड एंड लोड एंड फ्री फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर एंड फ्री, C is equal to 0.25. Now K is the radius of gyration. ये जो K है, this is the radius of gyration. इसकी value है 0.25 into D. Now the buckling load as obtained by the above expression must be higher. Buckling load जो है, it must be higher than the load at which the screw is engaged. जो screw engaged है. द बकलिंग लोड एज ऑप्टेंड बाई दी अबव एक्सपेरिमेंट मस्ट बी हायर, तो इसमें बकलिंग लोड जो है वो ज़्यादा होगा देन द लोड एट विच द स्क्रू इज डिजाइन, जिस पर जनरली हम स्क्रू को डिजाइन करते हैं उससे ये ज़्यादा होगा. नाउ नेक्स्ट है ड्रा द स्केच ऑफ द स्क्रू जैक. स्क्रू जैक की हमने डायमेंशंस निकाल ली और डायमेंशंस निकालने के बाद में उसके प्रोपोर्शनेट में हम यहाँ पर स्क्रू जैक को ड्रॉ करते हैं. शोइंग ऑल इट्स डायमेंशंस, सभी डायमेंशंस को दर्शाते हुए हम ये स्क्रू जैक को ड्रॉ कर देंगे. शोइंग ऑल इट्स डायमेंशन बाय फिक्सिंग द डायमेंशंस फॉर द बॉडी ऑफ द स्क्रू जैक. नाउ नेक्स्ट है फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू जैक. स्क्रू जैक की एफिशिएंसी ये निकालना, तो स्क्रू जैक की एफिशिएंसी जो हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि एफिशिएंसी जो है वो लोड पर इफेक्ट नहीं पड़ती देती है. एफिशिएंसी पर लोड लिफ्टेड का कोई इफेक्ट नहीं होता है कि कितना लोड वो उठा रही है, तो इससे हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे. और प्रेफरेंसेस में एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय आर एस कुर्मी एंड जे के गुप्ता और दूसरा है गेस्ट एसेस लॉगिन एमडी फ्रॉम इंटरनेट. थैंक यू.